नमस्कार, कालका से शिमला रेलवे लाइन पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश निशाना। हम आपको कराएंगे अगले आधे घंटे में टॉय ट्रेन की सैर, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कालका से शिमला रेलवे लाइन का इतिहास। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व की कुछ चुनिंदा हेरिटेज रेलों में से एक है कालका शिमला रेलवे। इस ट्रेन को टॉय ट्रेन कहकर भी पुकारा जाता है। अगर इस रेल मार्ग के इतिहास पर नजर डालें तो अंग्रेजों ने शिमला तक रेलगाड़ी चलाने का विचार वर्ष 1847 में ही बना लिया था। हालांकि इस रेल लाइन का निर्माण कार्य 9 नवम्बर 1903 को पूरा हुआ, जिसे बनने में तकरीबन 4 सालों का समय लगा। कालका से शिमला के बीच 96.57 किलोमीटर लंबी और 2 फुट 6 इंच की चौड़ी रेल लाइन मनभावन पर्वतीय वादियों से होकर गुजरती है। ये रेल लाइन 2800 फुट की ऊंचाई पर स्थित कालका से शुरू होकर 7000 फुट की ऊंचाई पर शिमला पहुंचती है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीएम नॉर्दर्न रेलवे एके पुड़िया साहब। सर, क्या इतिहास रहा है इस रेलवे ट्रैक का? ये कालका से शिमला को कनेक्ट करने वाला नैरो गेज का रेलवे ट्रैक है और ये 100 साल से भी अधिक पुराना है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें स्पेशल ब्रिजेस और टनल्स हैं और जो कर पर हैं, और उस समय 100 साल पहले जब वो बनाए गए थे तो उसमें कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग स्किल लगी थी, ये हम उनको जब देखते हैं तो हम वास्तव में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और आज भी बखूबी से ये सेक्शन जो है अपनी सेवा में लगा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। कालका शिमला ऐतिहासिक रेलखंड बाबा भलकू की ही देन है। कालका शिमला रेलखंड के निर्माण के समय सुरंग संख्या 33 बनाते समय अंग्रेज इंजीनियर सुरंग के छोर मिलाने में असफल रहे, जिसकी शर्मिंदगी की वजह से इंजीनियर बड़ोग ने आत्महत्या कर ली। अब अंग्रेजों के सामने बड़ा सवाल ये था कि सुरंग के दोनों छोर को मिलाने के लिए खुदाई कहाँ की जाए। ऐसे में बाबा भलकू की इंजीनियरिंग काम आई। जी हाँ, गांव झाझा के बाबा भलकू ने अपनी छड़ी से अंग्रेजों को उस समय राह दिखाई और जिसके बाद सुरंग के दोनों छोर मिल सके और कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो सका। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक जो सबसे लंबी टनल है वो बड़ोग में है। बड़ोग में जो टनल थी वो जो इंजीनियर थे उसके बड़ोग साहब थे, और वो टनल जब बना रहे थे तो टनल के दोनों एंड मिल नहीं रहे थे, तो उसमें वो जैसे एक तरह से आके अटके थे। तो तब ये कहा जाता है कि एक लोकल बाबा होते थे बाबा भलकू, और उन्होंने अपना सुझाव दिए कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से करेंगे तो बन जाएगी। वो अलाइनमेंट जब उन्होंने लागू किया तो कहा जाता है कि टनल उसके बाद बन गई। इसलिए जो लोकल एरियाज हैं उसमें बाबा भलकू का बहुत सम्मान किया जाता है, और भारतीय रेल ने भी शिमला में एक बाबा भलकू म्यूजियम बनाया है जिसमें हमने इस सेक्शन के हेरिटेज के आइटम्स रखे हुए हैं। कालका शिमला रेल मार्ग के निर्माण में बाबा भलकू के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, इसलिए उनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए हम उनका गाँव ढूंढते हुए पहुँचे झाझा। ये वो गांव है जहां बाबा अपनी साधना किया करते थे, और ये वो लकड़ी का ऐतिहासिक घर है जिसे बाबा ने बनवाया था। यहां हमारी मुलाकात उनके परिवार से हुई। हम पहुंच चुके हैं बाबा भलकू के गांव झाझा में, और हमारे साथ उनकी 5वीं पीढ़ी दुर्गा दत्त जी मौजूद हैं। बात करते हैं, कितना जानते हैं बाबा भलकू के बारे में आप? हमारा बाबा भलकू जो है ना, ये हमें इतना मालूम तो भी नहीं है, मगर ये लोगों का कहना है कि वो बहुत साधु आदमी थे। आपको पता है उन्होंने रेलवे के लिए बहुत बड़ा काम किया है? क्या काम किया था? क्या उन्होंने ये क्या था, जब अंग्रेज बड़ोग में टेंडर नहीं बना सके ना जी, तो वहाँ पर आत्महत्या भी की थी। तो उन्होंने जो कालका शिमला रेलवे लाइन निकाली है उसमें भलकू जमादार जी का सबसे अच्छा हाथ रहा जी। किस तरह से उन्होंने मदद की थी? उनके पास एक फार्स था जी, फार्सा था, एक लाठी थी जी, और एक ये था जी क्या कहते हैं लोहिया होता था, वो 3 चीज़ें थी जी, उसके मुताबिक से उन काटते थे। अगर कोई भी बात सुननी होती थी ये अपने कान लगवाते थे उनके मुँह पर, ये तो उसमें से सुनते थे जी, कुछ बातें सुनता सुना करते थे।
फिर बाद में वो बेचारे अंग्रेज ले जाना चाहते थे तो वो नहीं गए जी, वो वापस ही होकर जगन्नाथ निकल गए, जगन्नाथ में लोग हो गए जी। नीतीश कुमार जी रेलवे मंत्री आए थे जी, उन्होंने बुलाया था नीतीश, मैं उनसे बात खुद करना चाहता था, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने यही पूछा कि हम भलकू के बारे में नहीं जानते, हम क्या जाने आप, ये 100 साल की शादी हुई थी तो सरकार ने बोला था उनकी फैमिली को बुलाओ, हमें बुलाया ज़रूर है लेकिन हमारे से कोई भी बात, कोई ढंग से बात नहीं की, इतना भी कहा कि भाई इस बिल्डिंग के लिए हम आपके लिए जो भी कुछ होगी सरकार की तरफ से या मकान की रिपेयर के लिए लड़ाएंगे। आइए अब आपको कराते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कालका से शिमला तक का सफर, वो भी इस टॉय ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी है कालका से शिमला की ओर, तो आइए हम भी चलते हैं इस ट्रेन में। कालका शिमला रेलवे नियमित रेल सेवाओं के अलावा कालका शिमला के बीच विशेष रेलगाड़ी और अति विशिष्ट डिब्बे भी उपलब्ध कराती है। अद्भुत अनुभव और अविस्मरणीय यादों के लिए आप इस ट्रेन में यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। ये शिवालिक पैलेस है, एक आरक्षित डिब्बा है, यहाँ आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको घर जैसा यहाँ पर आभास होगा। ये भी इसी ट्रेन का एक डिब्बा है जहाँ पर देख सकते हैं सोफे भी हैं, गद्दियाँ भी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मानो आपका ये कोई ड्राइंग रूम हो। कालका से तकरीबन 16-17 किलोमीटर का हम सफर तय कर चुके हैं और इस समय हम इंजन में मौजूद हैं जो ये कालका शिमला ट्रैक पर ये टॉय ट्रेन चल रही है। यहाँ पर लोको ड्राइवर जयप्रकाश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती रहती है इस इंजन को चलाने में? इसमें सर चुनौती बहुत रहती है क्योंकि ग्रेडियंट यहाँ 33.33 का होता है और गुलाइयाँ बहुत हैं, कई बार ऊपर से जैसे हिल स्लिप हो जाता है या कोई पेड़ गिर जाता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब माइंड पूरी तरह यहीं होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, यानी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल सही। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि मेरा ध्यान स्पीडोमीटर पे ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद आगे मतलब स्पीड भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी और आगे भी हमारी नज़र पूरी होनी चाहिए, ट्रैक हमारा ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं है और क्लियर है, सारा कुछ देखना पड़ता है। क्या क्या सावधानियाँ और बरतते हैं आप ये ट्रेन चलाते वक्त? सावधानियाँ देखो इसमें सारी बरतनी पड़ती हैं, अभी हमारे इसमें स्पीडोमीटर इंजन के अंदर गेजें लगी हुई हैं, उनका भी देखना पड़ता है कि भाई टेम्परेचर हमारा वाटर का कितना हो गया है, ल्यूब ऑयल का कितना हो गया है, और अभी आप देख ही रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ तो व्हील स्लिप आने लगी है, तो पूरा ध्यान यही होना चाहिए तभी गाड़ी चल पाती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं बेहद चुनौती होती है इस ट्रेन को चलाने के लिए क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में कई सुरंगें भी पड़ती हैं, और इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर परमार जी हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि बेहद दुर्गम रास्ता है, काफ़ी सुरंग पड़ती हैं? ये इसे हम घाट सेक्शन कहते हैं, घाट सेक्शन में गाड़ियों का संचालन काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें कई तथ्य को ध्यान में रखा जाता है, सेक्शन का ग्रेडियंट देखा जाता है, मैक्सिमम स्पीड जो हमारी बुक स्पीड है उस पर गाड़ी चलाई जाती है, मैक्सिमम स्पीड से ऊपर नहीं जानी चाहिए गाड़ी और काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है इसमें। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं क्योंकि ट्रेन का सफर अभी जारी है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस तरह की टॉय ट्रेन हमेशा लोगों को लुभाती रही हैं और इन्हें फिल्मों में भी देखा जा सकता है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां,
बाघों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया। रास्ता थोड़ा लंबा है तो ऐसे में जितने पर्यटक हैं एंजॉय के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं किस तरह से गाने गाते हुए जा रहे हैं अपन लोग। चलत मुताबिक मोहनिया रे पिंजरे वाली मुनिया हमारी पहुंच चुकी है जाबली और जाबली में फिलहाल कुछ देर के लिए यहाँ स्टे किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर रेलवे का भारत स्काउट एवं गाइड्स का जिला प्रशिक्षण केंद्र है, ये अम्बाला मंडल के अंदर आता है और यहाँ पर फिलहाल ट्रेन को रोका गया है, कुछ देर लोग यहाँ पर रुकेंगे। इस रेल मार्ग पर कालका से शिमला के बीच कुल 18 स्टेशन हैं और इसके रास्ते में 102 सुरंगें हैं। ये ट्रेन 850 से भी ज्यादा पुलों के ऊपर से गुजरती है। कालका से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर चलकर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बड़ोग स्टेशन पर, लेकिन इससे पहले यहाँ इस रास्ते की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 1143.61 मीटर लंबी है। इस सुरंग में रोशनी के लिए एक बड़े शीशे का इस्तेमाल भी किया जाता है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर यह सबसे लंबी सुरंग है, 1143 मीटर लंबी सुरंग को बताया जाता है। बड़ौक के अंदर ये सुरंग है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ बहुत ही ठंडा महसूस किया जा सकता है सुरंग के अंदर। और ये जो आप मेरे पीछे ऊपर लाइट देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर लाइट दी गई है, मेरे कैमरा सहयोगी वो दिखाएंगे, ये लाइट दिखाई दे रही है, लाइट बाहर की तरफ से सूर्य की रोशनी से दिखाई जा रही है ताकि सुरंग के अंदर पता लगाया जा सके कि कहाँ पर पानी रिस रहा है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। तमाम इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है और आप देख सकते हैं कितनी लंबाई इसके अंदर है और तकरीबन 113 साल पहले इसको तैयार किया गया था। उस समय की इंजीनियरिंग किस तरह की रही होगी इस बात का अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है। करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 33 नंबर ये सुरंग और इस स्टेशन का नाम उसी अंग्रेज इंजीनियर बड़ोक के नाम पर रखा गया था जिसकी इंजीनियरिंग फेल हो गई थी सुरंग के दोनों छोर मिलाने में। ये सुरंग सबसे लंबी सुरंग है इस कालका शिमला सेक्शन की, मोर देन 1 किलोमीटर, अराउंड 1143 मीटर्स लॉन्ग। एंड इन फैक्ट बड़ोक वॉज अ इंजीनियर इन हूज नेम दिस सुरंग इज टाइटल्ड एज बड़ोक टनल। इस नंबर इज 33। इन फैक्ट व्हेन इट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर वाज सम मिसअलाइनमेंट एंड दैट लोकेशन वाज लेफ्ट आउट अबंडेंट एंड मिस्टर बड़ोक इंजीनियर फेल्ट वेरी मच इंसल्टेड दैट हिज अलाइनमेंट हाउ इट फेल्ड बिकॉज ही वाज सपोज टू बी एन एक्सपर्ट। It is said to be that he committed a suicide after that, as a matter of insult and outrage. कालका से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, कन्हो के निकट 541 चार मंजिला पुल शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है। भारतीय रेलवे का ये सबसे ऊंचा आर्च गैलरी पुल है जिसमें 4 तल हैं, 23 मीटर ऊंचाई करीब है और 52 मीटर लंबा ये पुल बनाया गया है।
सन 1898 में इसको तैयार किया गया था। इसका निर्माण 2007 घन मीटर पत्थर और 118 घन मीटर ईंटों की चिनाई से हुआ है और सारा भार मेहराब क्रिया द्वारा स्थानांतरित होता है। ये पुल 28 डिग्री की रिवर्स कर्व पर है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कैथली घाट। कैथली घाट स्टेशन सबसे नज़दीक में यहां पर सड़क है। लोग काफ़ी ऐसे हैं जो ट्रेन के जरिए यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद यहां नज़दीक में सड़क के जरिए अपनी यात्रा को करते हैं और शिमला तक पहुंचते हैं। करीब 96 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी टॉय ट्रेन आखिर अपनी मंजिल पर पहुंची गई, शिमला। लगभग 5 से 6 घंटों का सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला, कब कालका से शिमला पहुंच गए, क्योंकि मनोहारी दृश्य रास्ते में इतने खूबसूरत थे कि देखते ही देखते पता ही नहीं चल पाया समय का। भारतीय रेलवे ने विश्व धरोहर के पखवाड़े के मौके पर रात के समय शिमला रेलवे स्टेशन को नीली रोशनी से सराबोर किया है, जिसका नजारा देखते ही बनता है। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे बाबा भलकू के संग्रहालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा भलकू रेल संग्रहालय। क्या है इसमें खास, आइए देखते हैं। कालका शिमला को एक विरासत सेक्शन होने के नाते इस सेक्शन की सभी विरासत वाली रेल परिसंपत्तियों को बाबा भलकू रेल संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। ये संग्रहालय शिमला में स्थित है। यहाँ कालका शिमला रेलखंड से जुड़ी ऐतिहासिक यादों को संजो कर रखा गया है। यहाँ ऐसे दस्तावेज भी दर्शाए गए हैं जिनमें अंग्रेजी अफसरों ने बाबा भलकू के योगदान को सराहा है। बाबा भलकू रेल संग्रहालय में ये बेल लगाई गई है, क्या महत्व है इस बेल का, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हेरिटेज सेल से राजेश जी हैं। राजेश जी, कितना महत्व है इस बेल का और क्या इतिहास है? ये बेल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। 1903 की मैन्युफैक्चर्ड ये बेल नैरो गेज वर्कशॉप कालका के गेट के ऊपर लगी हुई थी, जिसे हमने वहाँ से उतार कर इस संग्रहालय में डिस्प्ले किया है, इस संग्रहालय में संजोया है। ये 1903 की मैन्युफैक्चर्ड बेल, पहले समय में कोई हूटर वगैरह का सिस्टम नहीं था जिससे ये पता चल सके कि कब ड्यूटी आवर शुरू हो रहे हैं, कब उनका लंच टाइम शुरू हो रहा है और कब छुट्टी का टाइम शुरू होता है। ये बेल डिफरेंट डिनोमिनेशन पे बजाई जाती थी, जिससे सबको पता चल जाता था दूर दूर तक कि अब नैरो गेज वर्कशॉप कालका का ड्यूटी का समय शुरू हो गया है और ये लंच का समय शुरू हो गया है और ये छुट्टी का समय शुरू हो गया है। और इसकी पिच आप देख सकते हैं, आप बजा के खुद देख सकते हैं कि कितनी दूर तक इसकी आवाज़ उस वक्त जाती होती है और बहुत ही वैल्यूएबल है। कब तक ये इस बेल का इस्तेमाल होता रहा? ये बेल का इस्तेमाल काफ़ी सालों तक होता रहा और हमने इसको तकरीबन 2011 में इसको उस वर्कशॉप के गेट से उतारा था। इस संग्रहालय में एक पंखा भी दिखाया गया है, सर इस पंखे की क्या खासियत है? इस पंखे की खासियत ये है कि ये 360 डिग्री एंगल के ऊपर पूरा घूमता था और ये अभी वर्किंग कंडीशन में है और जो ये मेड इन इंग्लैंड है। सर यहाँ पे कॉइन टेस्टर है, क्या खासियत थी इन कॉइन टेस्टर? फेक करेंसी का जो मिनांस है सिर्फ आज के ज़माने में नहीं है, ये उस ज़माने में भी फेक कॉइन्स का की प्रॉब्लम थी, तो उन फेक कॉइन्स को टेस्ट करने के लिए और उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ये कॉइन टेस्टर्स से रखे हुए और इनसे हम चेक कर सकते थे कि ये कॉइन ऑथेंटिक है या नहीं। सर यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट भी रखी हुई है, ये किस चीज़ की प्लेट है? सर कालका शिमला रेलवे के ऊपर एक मैनुअल क्रेन थी, हैंड ऑपरेटेड क्रेन, काउन शेल्डन एंड कंपनी की तरफ से थी, ये मेड इन इंग्लैंड, 1905 की वो मैन्युफैक्चर क्रेन थी
और ये कंडम हो चुकी है, लेकिन उसकी ये क्रेस्ट प्लेट अभी भी हमारे पास है। सर, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी लाइटें भी दिखाई दे रही हैं संग्रहालय के अंदर, ये कब की लाइटें हैं और क्या खासियत थी इन लाइटों की? ये भी बहुत पुरानी लाइटें हैं, ये टिली लैम्प है जो जब पुराना जमाना था मिरर तो यूज़ होते ही थे, टिली लैंप्स को भी हम यूज़ करते थे अंदर टनल्स के अंदर लाइट वगैरह देखने के लिए। ये स्टीम इंजन की हेडलाइट्स हैं जो हमारे सामने पड़ी हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी भीम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।